और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की। पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कई दिन से वहां पर मीटिंग्स हो रही थी, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी भूमिका हो सकती है प्रशांत किशोर की कांग्रेस में, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी दी। पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, अब पीके पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। प्रशांत किशोर ने अपनी ओर से यह साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर लेकर प्रशांत किशोर ने यह ट्वीट किया कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। यह ट्वीट प्रशांत किशोर का। तो पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, यह प्रशांत किशोर ने यहां पर कहा है ट्वीट करके। तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके पहले जानकारी दी और अब देखिए यह ट्वीट प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी राय है कि पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैंने कांग्रेस के पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये ट्वीट प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनका यह ट्वीट प्रशांत किशोर का। और इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके जानकारी दी ये कि उनको ऑफर दिया था पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शामिल होने से ज्यादा जरूरी है नेतृत्व सही हो। तो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, ये बड़ी खबर है और कम से कम कांग्रेस की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये लग रहा था, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा था और ये माना जा रहा था कि बड़ी भूमिका यहाँ पर प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। जाहिर है जैसा कहावत भी है कि घाट घाट का पानी ही रखे हैं, और उसके बाद कांग्रेस में अगर आते तो एक नई जान उठने की कोशिश करते प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर ने पैर पीछे खींच लिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। तो पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर यहाँ पर दिया गया था, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी और कयास कई तरीके के लगाए जा रहे थे कि उनकी क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह की भूमिका में आएंगे वो, कितना बड़ा कद होगा, क्या किरदार होगा, लेकिन सभी कयास पर उन्होंने फिलहाल विराम लगा दिया।